भारत निर्वाचन आयोग द्वारा लोकसभा चुनाव की तारीखों की घोषणा के बाद आदर्श आचार संहिता लागू हुई तो मात्र 24 घंटे के भीतर भाजपा नेताओं द्वारा आचार संहिता की धज्जियां उड़ती हुई दिखाई दी। संभल जिले के एक भाजपा नेता को दर्जा प्राप्त मंत्री बनाया गया तो भाजपा नेता गाड़ियों के काफिले के साथ आचार संहिता का उल्लंघन करते दिखाई दिए और पुलिस प्रशासन नतमस्तक नजर आया। लोकसभा चुनाव के मद्देनजर देश भर में भले ही सभी राजनीतिक पार्टियों के लिए आदर्श आचार संहिता लागू होते ही आदर्श आचार संहिता लागू होने के 24 घंटे के भीतर संभल जिले में भाजपा नेताओं ने जमकर आचार संहिता की धज्जियां उड़ाई, जहां गुन्नौर तहसील इलाके के भाजपा नेता गुलफाम सिंह यादव को पिछड़ा वर्ग का सदस्य बनाकर दर्जा प्राप्त मंत्री की घोषणा की गई तो दर्जा प्राप्त मंत्री गुलफाम सिंह यादव ने सैकड़ों गाड़ियों के काफिले के साथ जुलूस निकाला और शक्ति प्रदर्शन किया, जहां भाजपा झंडे लगी गाड़ियां और जगह जगह रुककर कार्यक्रम के दौरान भाषण देकर आचार संहिता की खुलेआम धज्जियां उड़ाई गई। लेकिन गुन्नौर तहसील इलाके का पुलिस प्रशासन इससे बेखबर रहा। वहीं आचार संहिता के उल्लंघन के मामले में SDM गुन्नौर से जानकारी की तो उनका कहना था कि वे सुबह से मीटिंग में गए हुए थे, लेकिन अब ये मामला जानकारी में आया है तो इस मामले में पुलिस से रिपोर्ट लेकर कार्यवाही की जाएगी। लेकिन ये सवाल है कि भाजपा नेताओं द्वारा आचार संहिता के उल्लंघन के मामले में जिला अधिकारी संभल अविनाश किशन सिंह का उल्लंघन करने वालों के खिलाफ सख्त कार्यवाही का बयान कितना सख्त साबित होता है। अब आदर्श आचार संहिता प्रभावी रूप से लागू हो गई है और अभी अभी जो पिछड़ा वर्ग के आयोग के सदस्य बने हैं गुलफाम सिंह यादव, उन्होंने एक बहुत बड़ी रैली निकाली है गाड़ियों की, तो क्या कहेंगे इसमें, क्या कार्रवाई होगी? ये मेरे संज्ञान में आया है क्योंकि जब का ये वाक्य है उस समय हम कलेक्ट्रेट पर थे, मीटिंग में थे और लोगों ने बताया है कि इस तरह से काफ़ी गाड़ियां थी, उनका काफिला था। मैंने इंस्पेक्टर को जांच के लिए कहा है और ये सही पाया जाता है तो कार्रवाई होगी, विधिक कार्रवाई होगी, नोटिस दिया जाएगा, उन्हें खिलाफ कार्रवाई होगी।